देखा किसी ने इसे गिरते हुए? इंस्पेक्टर साहब, मैं नहीं आपको पूछा था। मेरा नाम बीसी भार्गव, मैं यहाँ के इंचार्ज हूँ और टीम का मैनेजर। ये लड़की कौन है? जी, इस लड़की का नाम आस्था त्रिवेदी है। ये बास्केटबॉल की बहुत अच्छी प्लेयर थी और इंटर कॉलेज कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए नासिक से आई थी। काफी ऊंचाई से गिरी है। जी जी हाँ। कमरा कहाँ है इसका? जी सेकंड फ्लोर। आई मैं दिखाता हूँ। आई इंस्पेक्टर साहब, आस्था बास्केटबॉल की बहुत अच्छी प्लेयर थी, बड़ा ही ब्राइट फ्यूचर था उसका और मेरे ख्याल से तो वो स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना एक अलग मुकाम हासिल करने वाली थी, अपने देश का नाम रोशन करने वाली थी। मगर अफसोस की सांसे ने आप में से किसी ने देखा उसे ऊपर से गिरते हुए? जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं तो बाहर गया हुआ था, जब यहाँ आया तो जिहासा हो चुका था। आइए। आइए इंस्पेक्टर साहब। इस फ्लोर पे? जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, बात यह है कि आज कोई मैच था नहीं, इसलिए सभी लड़कियों ने घूमने फिरने का प्रोग्राम बना लिया। लेकिन आस्था को तो बस अपनी प्रैक्टिस की फिक्र रहती थी, इसलिए उसने मना लिया। बारगर टेरेस देख सकता हूं आपका? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, आइए। आइए। बारगर साहब, मुझे तो एक ऐसा आत्महत्या का लगता है। चलिए, थैंक्स अ लॉट, आपकी मैं फिर से जरूरत पड़ेगी। चलिए। मिस्टर भार्गव, किसी ने इसके माँ बाप को खबर की? जी इंस्पेक्टर साहब, आपको फोन करने के बाद मैंने आस्था के फादर को फोन करके इन्फॉर्म कर दिया है, वो नासिक से कल सुबह तक यहाँ पहुंच जाएंगे। चलिए। सारी कार्यवाही होगी? यस सर। तो लाश का पंचनामा करा के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। ओके सर। ओके।
ये सब कैसे हो गया इंस्पेक्टर साहब? देखिए त्रिवेदी साहब, मुझे तो ये आत्महत्या का मामला लगता है। आत्महत्या? मेरी बेटी आत्महत्या करेगी? जिसके मन में आसमान छूने का अरमान हो वो आत्महत्या करेगी? किसने कहा आपसे? कुछ लोगों ने। देखिए, मैंने भी मौका वारदात पर जो भी देखा उससे मुझे भी ये लगा कि शायद आस्था ने। अच्छा, आप लोग मुझे एक बात बताइए कि आस्था का किसी से कोई प्रेम संबंध, कोई लव अफेयर जिसकी वजह से उसने आत्महत्या की हो? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये तो सारी दुनिया जानती है कि मेरी बेटी आस्था के मन में और उसके जीवन में उसके माँ बाप और बास्केटबॉल के अलावा किसी के लिए कोई जगह नहीं है। अरे वो तो पागल थी बास्केटबॉल के लिए। क्या दिन क्या रात, 2400 घंटे वो प्रैक्टिस करती रहती थी। रात के 11 बज चुके हैं, तुम क्या सुबह तक खेलती रहोगी? और तुमने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया, चलो चलकर खाना खा ले। पर मॉम, मॉम कॉलेज के सिलेक्शन होने वाले हैं और इंटर कॉलेज कंपटीशन में सिलेक्ट होने के लिए मुझे रात दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके बाबा ओके, जो करना है करो, पर पहले चलकर खाना तो खा लो। मॉम प्लीज, खाना प्लीज प्लीज। खाना नहीं खाओगी तो बेटा खेलोगी कैसे? चलो। ओ मॉम, यू आर ना। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी यहाँ नासिक से बास्केटबॉल खेलने आई थी, आत्महत्या करने नहीं। देखिए, अगर आस्था की मौत आत्महत्या नहीं है तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं किसी भी कीमत पर उसकी मौत की वजह ढूंढ निकालूंगा। ये क्या हो गया तुम लोगों को? अरे माना कि आस्था हमारे बीच में नहीं, मौत हो चुकी है उसकी। लेकिन एक लड़की की आत्महत्या की वजह से कंपटीशन बीच में नहीं रुक जाएगा, और अगर आप लोग इसी तरह बैठे रहे बिना प्रैक्टिस किए तो हम लोग ये मैच जरूर हार जाएंगे। और इस तरह मैच हारने से तो अच्छा यही होगा कि आप लोग दूसरी टीम को वॉक ओवर दे दें। मत खेलो ये मैच। और अगर सचमुच ये मैच जीतना है तो तुम लोगों को अपने दिल दिमाग से आस्था की मौत के सदमे को निकालना होगा, भूल जाना होगा कि उसने आत्महत्या की। मिस्टर सुरजीत बंसल? यस, आई एम इंस्पेक्टर वागले। आप ही कोच हैं इस टीम के? जी हाँ। और ये आपकी टीम है? जी। मिस्टर बंसल, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा था। ये आस्था जब आत्महत्या करने जा रही थी तो उस वक्त आप कहाँ थे? जी,
मैं जूह चौपाटी घूमने गया था। अरे वाह क्या बात है, आपकी अपनी टीम की लड़कियों के लिए कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? जी कैसी जिम्मेदारी? मिस्टर बंसल मुझे पता चला है कि छलांग लगाने से पहले आस्था यहाँ अकेली प्रैक्टिस कर रही थी और आप चौपाटी घूम रहे थे। कमाल है मतलब। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं इस टीम का कोच हूँ, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं। और फिर मुझे क्या पता था कि आस्था आत्महत्या का प्रोग्राम बना चुकी है। मिस्टर बंसल, आस्था के माँ बाप का कहना है कि आस्था आत्महत्या नहीं कर सकती। उसके साथ जरूर ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से उसे मौत को गले लगाना पड़ा है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम कंचन मल्होत्रा है। कंचन, आस्था आप ही के साथ खेलती थी ना, तो आपको तो बहुत कुछ मालूम होगा आस्था के बारे में। जी हाँ, हम सिर्फ खेल के वक्त ही साथ रहते थे। मैं आस्था के बारे में बस इतना ही जानती हूँ कि वो एक बहुत अच्छी प्लेयर थी और उसे तो नेशनल टीम में होना चाहिए था। आप में से कोई तो मुझे बता सकता होगा कि आस्था ने आत्महत्या क्यों की? मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपकी छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन इस केस को सुलझाने में मददगार साबित हो सकती है। लेकिन एक बात बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए कि किसी भी बात को छुपाने की आपकी कोशिश आपको मुसीबत में डाल सकती है। आप समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूं? चलिए फिलहाल तो मैं चलता हूं, लेकिन अगर यह आत्महत्या का मामला नहीं है तो एक भयानक कत्ल है और ऐसे कत्ल की सजा सिर्फ मौत होती है। टेक केयर। क्या था? वो जादू था? हमारी नजरों का धोखा? या किसी ने हमें मेस्मराइज करने की कोशिश की है? या ऐसा भी हो सकता है कि जो टीम हमारे साथ खेलने जा रही है ये भी उसी की शरारत हो सकती है? नहीं, मेरे ख्याल से हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। हम सबकी हालत ही ऐसी है कि कहीं ना कहीं हम सबके मन में आस्था की मौत का खौफ समाया हुआ है। आस्था के खेल से हर कोई प्रभावित था। लोग तो यहाँ तक कहते हैं अगर उसे एक मौका मिल जाता तो आज वो बास्केटबॉल की नंबर वन खिलाड़ी होती। तुम ठीक कहती हो सुषमा, मैं भी 2 साल से कॉलेज की टीम में हूँ, लेकिन हर साल मेरा नाम स्टेट टीम में आने से रह जाता है। अरे नाम वाम ऐसे थोड़ी आ जाता है, तुम्हें बंसल सर को मस्का लगाना पड़ेगा, उनकी चमचागिरी करनी पड़ेगी। सभी जानते हैं मैं इतना अच्छा खेलती हूँ, फिर मुझे किसी को मस्का लगाने की क्या जरूरत है? तुमसे अच्छा तो आस्था खेलती थी, लेकिन याद है पिछले टूर्नामेंट में क्या हुआ था उसके साथ? Yeah!
क्विक गो 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 मूव गर्ल्स मैच इज ऑन सर मूव टेक योर पोजीशन या मूव 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 देयर सर सर आपने मुझे क्यों बुलाया आस्था तुम्हें चोट लगी है उधर बैठ जाओ नहीं सर मुझे कोई चोट नहीं लगी है मैं बिल्कुल ठीक हूँ देखो आस्था मैं कोच हूँ मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ और अगर तुम्हें चोट ना लगी होती तो मैं तुम्हें भारी क्यों बुलाता देखो आस्था इस छोटी सी चोट को तुम मामूली मत समझो अरे ये तुम्हारा पूरा कैरियर में बात कर सकती है बैठ जाओ उधर अभी मैच का टाइम है प्लीज विल डिस्कस इट लेटर प्लीज मूव मूव हाँ वेरी गुड ड्रिबल ड्रिबल पास ऑन और उसके बाद फिजिकल फिटनेस का बहाना करके आस्था को ड्रॉप कर दिया गया और हमारी टीम जो जीत रही थी हार गई अरे ऐसा तो नहीं कहीं इसी फ्रस्ट्रेशन में आकर उसने खुदकुशी कर ली हो फ्रस्ट्रेशन क्यों भाई किस फ्रस्ट्रेशन की बात हो रही है यहाँ वैसे आप लोगों को एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि किसी को खुदकुशी करने के लिए मजबूर करना भी एक बहुत बड़ा गुनाह है In case you don't know. और इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप आस्था के बारे में कुछ भी जानते हैं तो प्लीज बता दीजिए पुलिस को क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत कुछ जानते हैं लेकिन किसी के खौफ और दबाव की वजह से ज़बान बंद है आपकी वैसे यू मे बी राइट फ्रस्ट्रेशन चलिए आप लोगों की बातचीत से मुझे इस केस में आगे बढ़ने का रास्ता तो नजर आया इंस्पेक्टर साहब आप इस वक्त क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब नहीं मैं तो जनरल राउंडअप पे निकला था अच्छा मिस्टर मंसल रात बहुत हो चुकी है इसलिए अभी तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहूंगा लेकिन मुझे आपसे आस्था के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है तो आप कल पुलिस स्टेशन आएंगे 11 बजे जी याद रहे 11 बजे हाँ हादसे ने तो टूर्नामेंट का बिल्कुल मजा ही किरकिरा कर दिया है कुछ भी कहें आस्था में कुछ बात थी You're right, Chaudhary. Yes, sir. मुझे अरे बंसर भार्गव साहब तुम्हारा चेहरा तो एकदम पसीने में भीगा हुआ है तुम्हें देख के तो ऐसा लगता है जैसे तुम लड़कियों की कोचिंग क्लास से आ रहे हो यू आर राइट सर अरे नहीं भार्गव साहब अभी वो इंस्पेक्टर बागले आया था उसने कल सुबह मुझे 11 बजे पुलिस स्टेशन आने को कहा है पुलिस स्टेशन? क्यों अरे मैं क्या जानू देखो बंसर इन पुलिस वालों के सवालों का जवाब बहुत सोच समझ के देना
क्योंकि इनका कोई भरोसा तो होता नहीं। ये खुदकुशी को कत्ल भी बता सकते हैं। देखिए भार्गव साहब, आपको मेरी मदद करनी होगी। बंसल, तुम इतना डर क्यों रहे हो? देखो, डरता तो वो है जिसने कुछ गलत काम किया हो। वो इंस्पेक्टर तुमसे ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेगा? ज्यादा से ज्यादा वो आस्था के परफॉर्मेंस, उसके बिहेवियर, उसके कैरेक्टर, और ज्यादा हुआ तो उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछेगा, बस। और क्या? नहीं नहीं मिस्टर बंसल, मुझे आपसे ये सब नहीं पूछना है। मुझे आपसे ये जानना है कि आस्था जैसी प्लेयर जिसकी आपने तारीफ की और आपके उस मैनेजर ने तारीफ की, आपने उसे कोई टूर्नामेंट नहीं खेलने दिया? हरदम रिजर्व में ही रखा? नहीं मतलब कोई तो वजह रही होगी। इंस्पेक्टर साहब, किस खिलाड़ी को टीम में खिलाना है, किसको रेस्ट कराना है, ये एक कोच ही बेहतर जानता है। क्योंकि कोच ही एक ऐसा शख्स होता है जो हर खिलाड़ी की अच्छाई, उसकी खूबियों और उसकी कमजोरियों को अच्छी तरह जानता है। मिस्टर बंसल, ये भी तो हो सकता है कि आस्था ने इसीलिए आत्महत्या की। जी, मैं आपका मतलब नहीं समझा। नहीं समझे। मिस्टर बंसल, ये भी तो हो सकता है ना कि आपके ऊपर किसी ऐसे इंसान का दबाव हो जो ये चाहता हो कि आस्था की जगह किसी और को ऊपर उठाया जाए। ये गलत है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरे लिए मेरे सारे प्लेयर एक जैसे हैं, और अगर मुझे यही करना होता तो मैं टूर्नामेंट की टीम में आस्था को लेकर ही क्यों आता? ओके मिस्टर मंसल, ये आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप जा सकते हैं। थैंक यू। वैसे मुआफ कीजिएगा इंस्पेक्टर साहब, आप खामखा एक खुदकुशी के केस को, जिसकी कोई भी वजह हो सकती है, एक लव अफेयर, माँ बाप की रोक टोक या कोई सकती, आप यूं ही एक सीधे सारे खुदकुशी के केस को एक मर्डर केस बनाने पर क्यों तुले? एनीवेज, बाय, चलता हूं। बाय मिस्टर बंसल, धुआं तो दिख ही गया है, अब आग भी देखी जाएगी। Ah!
क्यों सर, डर गए? आइए एक गेम हो जाए। क्या हुआ साहब, अंदर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी साहब। हाँ, वो बॉल, क्या हुआ साहब, आप बहुत घबराए हुए साहब। समझ गया साहब, आपने नींद में कोई भयानक सपना देख लिया साहब। सो जाइए साहब, मैं चलता हूँ। सुनो, तुम थोड़ी देर यहाँ रुक सकते हो। साहब मुझे पूरे ग्राउंड का राउंड मारना है साहब। चलता हूँ साहब। साहब, ये किसकी फाइल है जो अपने ध्यान से पढ़ रहे हैं और परेशान हो रहे हैं? आस्था की, ये आस्था की फाइल। आस्था केस? क्या रखा है इस केस में? मैं तो कहता हूँ इसे बंद कर दीजिए। नहीं पालेकर साहब, अब तो ये फाइल बंद नहीं होगी। तो फिर समझिए कि आप रेत में से तेल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बागले साहब, ज्यादातर लड़की खुदकुशी की वजह उनके लव अफेयर्स होते हैं। उस लड़की के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे अभी भी उसके माँ बाप की बात याद है और उनका कहना था कि अगर उनकी बेटी की जिंदगी में कुछ था तो सिर्फ बास्केटबॉल और उसके माँ बाप, और कुछ नहीं। फिर भी
इस केस को बंद कर दीजिए, इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। मिलना तो चाहिए मिस्टर पालेकर, मुझे अब भी उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। आस्था ने जब आत्महत्या करने के लिए वहां से छलांग लगाई तब वो वहां अकेली थी, ऐसा कहा गया। वहां और कोई नहीं था और बाकी सब लोग बाहर गए हुए थे, लेकिन आज ही मुझे वहां के वॉचमैन ने बताया कि उस रात उसने कोच बंसल को ऊपर जाते देखा था। इसका मतलब ये हुआ मिस्टर पालेकर कि उस वक्त बंसल भी वहीं मौजूद था। तो फिर उसने आस्था को आत्महत्या करने से क्यों नहीं रोका? उसके ना रोकने के पीछे सिर्फ यही वजह हो सकती है कि कहीं ना कहीं वो भी सारे मामले में इन्वॉल्व है। झूठ बोल रहा है उसे, और इसलिए अभी इसी वक्त मैं उसे अरेस्ट करने जा रहा हूं। मिस्टर वागले, जांच से पता चला है कि मिस्टर बंसल की मौत खौफ से हुई है। एक जबरदस्त शॉक से उनका हार्ट फेल हुआ है। ओके मिस्टर वागले। ओके, थैंक यू। या मेरा अंदाजा सही निकला, वो आस्था के मर्डर में इन्वॉल्व था। इसका मतलब साफ है कि आप में से कुछ लोग कानून की मदद करने की बजाय झूठ बोल रहे हैं। मिस्टर बंसल की मौत से मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि आस्था के मर्डर से मिस्टर बंसल का कोई ना कोई रिश्ता जरूर था, और आज मैं उसे गिरफ्तार करने आया था। इंस्पेक्टर साहब, जब यह साबित हो चुका है कि आस्था ने खुदकुशी की थी, तो फिर आप किस जुर्म में मिस्टर बंसल को गिरफ्तार करने आए? भार्गव, अभी तक ये कहां साबित हुआ है कि उसने खुदकुशी की थी या उसका मर्डर हुआ है? चलिए फिलहाल तो मैं चलता हूं, लेकिन बहुत जल्दी मैं इसके तहत पहुंचाऊंगा। बाय बाय। सच, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। ये तो क्या कह रही है? तुम्हारा मतलब है जो बंसल सर के साथ में हुआ वो? यही मतलब है मेरा। कितनी लड़कियों की शिकायत है कि बंसल साहब उनके साथ उल्टी सीधी बातें करते थे, उल्टी सीधी हरकतें भी करते थे। अरे कई बार तो मुझे उनकी बेजा हरकतों को झेलना पड़ा। इन्हीं सब बातों के कारण आस्था पीछे रह गई और अब तू पीछे रह जाएगी। ये खेल की दुनिया है यार, जरा बोल्ड होना सीख। अरे यहाँ मौतें हो रही हैं और तुझे खेल की पड़ी है, तेरे लिए यही सब कुछ है, बस जिंदगी में और कुछ नहीं है। अगर जिंदगी में कुछ पा ही ना सके तो फिर वो जिंदगी ही क्या है?
इंस्पेक्टर वागले, सुषमा क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो, क्या बात? वो बॉल, बॉल, वो बास्केटबॉल। बास्केटबॉल? हाँ तो क्या बास्केटबॉल, तुम कहना क्या चाह रही हो? इंस्पेक्टर साहब, उसकी आत्मा भटक रही है। आत्मा भटक रही? किसकी आत्मा भटक रही है? आस्था की आत्मा। सुषमा, तुम अपने होश में नहीं हो। मैं सच कह रही हूँ इंस्पेक्टर साहब, आप ही देखिए। अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम आस्था के बारे में जरूर कुछ ना कुछ जानती हो। नहीं, देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आस्था की मौत के बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, कुछ नहीं जानती हूँ। नहीं सुषमा, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, दुश्मन नहीं। सुषमा, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बोलो आस्था, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें मेरी आप बीती इंस्पेक्टर वागले को बतानी होगी। ठीक है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको बताती हूँ कि उस रात क्या हुआ था। उस रात यही ग्राउंड था और यहाँ मैच चल रही थी, लेकिन आस्था उसमें सब्स्टिट्यूट में थी और वो मैच नहीं खेल पाई। उसे मैच खेलने नहीं दिया जा रहा था, इसलिए हमारी टीम उस दिन बुरी तरह हार गई। What are you doing, girls? Concentrate.
सुषमा कम ऑन, कैरी ऑन, टेक पोजीशंस। ये अरे फैल जाओ। आस्था को इसी तरह बिठा कर रखेंगे तो हमारी ये टीम जो पीछे चल रही है वो बुरी तरह से हार जाएगी। देखो मैं क्या करूं, भार्गव साहब का अभी तक आस्था पर कॉन्फिडेंस नहीं है। सर कॉन्फिडेंस नहीं है या इस या के चक्कर में आस्था अपना पूरा करियर खराब कर लेगी। जाओ खेलो, गेम शुरू होने वाला है। जाओ गेम शुरू होने वाला है। आज की ये हार सिर्फ आपके मैनेजर भार्गव साहब के नाम है। देखो सुषमा, तुम समझदार हो, बात को समझती हो। अरे समझाओ आस्था को कि भार्गव साहब के मन में किसी भी तरीके से अपने लिए विश्वास पैदा करे। अरे उनकी खुशी उनकी नाराजगी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तुम जानती हो ना टीम का सिलेक्शन भी होने वाला है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। जाओ यही बात आस्था को समझाओ। जाओ जाओ। आओ आस्था जाओ। आओ। बस मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। सर इस कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? अंधेरा था आस्था, अब तुम आ गई हो तो उजाला भी हो जाएगा। वेलकम आस्था, वेलकम। कहो क्या सेवा करूं मैं आपकी।
सर सेवा तो मैं करना चाहती हूँ स्पोर्ट्स की बास्केटबॉल की, पर पता नहीं सर क्यों आप मुझे इसका मौका ही नहीं देना चाहते। आस्था मैं तो तुम्हें पूरा मौका देना चाहता हूँ, पर तुम मौका लेना ही नहीं चाहती। अब सर आप मुझे बताइए तो सही मौका लिया कैसे जाता है। देखो आस्था, तुम्हारे अंदर खिलाड़ी नंबर वन बनने के सारे गुण मौजूद हैं, बस तुम्हें जरूरत है तो एक मौके की। एंड आई एम श्योर जिस दिन भी वो मौका तुम्हें मिल जाएगा तुम स्पोर्ट की दुनिया की स्टार बन जाओगी, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, गोल्डन फ्यूचर होगा तुम्हारा। देखो आस्था ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए, तुम इस मौके से फायदा उठाकर स्पोर्ट्स की दुनिया में बहुत नाम और रुपया कमा सकती हो, पर इसके लिए तुम्हें हम जैसे लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाना पड़ेगा, दोस्ती करनी होगी हमारे साथ और कुछ दावत शावत का इंतजाम करना पड़ेगा। सर तो आप बताइए तो सही कब और कहां दावत दूं मैं आपको। बस तुम तैयार हो जाओ तो हम तुम्हें खुद बता देंगे कि दावत कहां होगी, इसका सारा इंतजाम भी हम खुद कर देंगे। आस्था तुम्हें मालूम नहीं कि स्पोर्ट्स में कितना पैसा है। ठीक है सर मैं आपके फोन का इंतजार करूंगी। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे रुको तो, इतनी जल्दी भी क्या है जाने की। सर मेरी मम्मी का नासिक से फोन आने वाला है। ओहो ग्रेट, अगली बार जब भी आओ तो थोड़ा फुर्सत में आना ताकि आराम से बैठकर बातचीत कर सके। ठीक है सर। ओके बाय। उसके बाद इंस्पेक्टर साहब वो दावत हुई या नहीं हुई ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन आस्था को टीम में चुन लिया गया और फिर कैंप शुरू हो गया। मैं इतना जानती हूँ कि कैंप और प्रैक्टिस के दौरान उसने किसी को भी अपने शरीर को छूने नहीं दिया और फिर हम यहाँ आ गए। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो तो आप भी जानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आस्था की मौत में बंसर ही नहीं चौधरी और भार्गव का भी हाथ है। मैं आपसे एक बात पूछूं? सुषमा तुम्हें जो भी पूछना है बेहचक पूछो। हालांकि ये पूछना अच्छा नहीं लगता, कहीं आस्था के साथ बलात्कार। इंस्पेक्टर वागले कहीं तुम उस केस के बारे में तो नहीं कह रहे हो जिस केस में एक लड़की ने गर्ल्स हॉस्टल की छत के ऊपर से कूदकर आत्महत्या की थी। यस सर, लेकिन बात वो नहीं है सर, इस केस से जुड़ा एक पहलू इतना कड़वा है कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है, घुटन सी महसूस हो रही है सर। वागले आखिर बात क्या है, साफ साफ कहो ना। सर मेरा पाला ऐसे दरिंदों से पड़ा है, उनमें से एक तो मर गया लेकिन दो अब भी जिंदा है और उनमें से एक है चौधरी जिसे मैंने पकड़ने का फैसला कर लिया सर, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। वागले अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो तुम उनको पकड़ोगे कैसे। नहीं सर ये लोग पेशेवर मुजरिम नहीं है, ऐसे लोगों को तोड़ने में और सच्चाई उगलवाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। अब तो चौधरी बताएगा कि आस्था की मौत की रात क्या हुआ था, लेकिन सर अगर आप इजाजत दें तो मैं अभी इसी वक्त उसे रिमांड पर लेना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर वागले तुम हमारे डिपार्टमेंट के एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर हो, इसलिए ये केस सॉल्व करने की मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। थैंक यू सर, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक सर। हेलो। हेलो सर मैं सुषमा बोल रही हूँ। हाँ सुषमा बोलो। सर आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है, वेरी अर्जेंट। इम्पोर्टेंट? हाँ क्या बात है? सर वो इंस्पेक्टर वागले आए थे, वो वागले क्या कह रहे थे वो? सर मैं फोन पर नहीं कह सकती, यहाँ और भी लड़कियाँ हैं मेरे साथ। अच्छा तो फिर? सर आप मुझे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बाहर रोड पर मिलिए। ठीक है मैं आता हूँ। ओके
नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते। सुषमा, 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 इंस्पेक्टर साहब आप? आई एम भार्गव। मिस्टर भार्गव, ये चौधरी साहब कहाँ गए? मुझे कुछ जरूरी बात करनी है उनसे। चौधरी साहब अपने रूम में होंगे ना? नहीं नहीं है, देखा मैंने, ताला बंद है। ताला लगा है? ठीक है, आप आइए मेरे साथ। आइए। वैसे चौधरी साहब खाना खाने के बाद अक्सर वापस जाते हैं। अरे ये वॉचमैन कहाँ चला गया? वॉचमैन, चलिए वहां देखते हैं। चौधरी साहब, चलिए आगे चलते हैं। ये तो चौधरी साहब का चश्मा है। Thank you.
सुषमा सुषमा क्या बात है, बहुत डरी हुई लग रही हो। सर बहुत बुरा हो गया, चौधरी साहब की डेथ हो गई। हमें बहुत डर लग रहा है सर, अब कुछ भी हो जाए हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमें घर जाना है। सर अब चुप क्यों हैं? आप हमारे मैनेजर हैं, हमारे जाने का बंदोबस्त तो आप ही को करना है। हाँ तुम ठीक कह रही हो सुषमा, हम सबको यहाँ से चलना चाहिए। यहाँ से कोई नहीं जाएगा। मगर क्यों? मैंने आपको पहले भी समझाया था मिस्टर बार्गर, जब तक इस केस की तहकीकात पूरी नहीं हो जाती आप में से कोई भी कहीं नहीं जाएगा, समझे आप? आई होप समझ गए। गुड बाय। इंस्पेक्टर साहब। मिस्टर भार्गव, सुबह सुबह क्या बात है? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपने तो यहां सबको रोक रखा है लेकिन मेरी हालत बहुत खराब है, मैं रात भर सो नहीं पाया। रात भर मैं ऐसे आला से गुजरा हूं कि आपको बता नहीं सकता। मैं बहुत डरा हुआ हूं, आप प्लीज मुझे यहां से जाने की परमिशन दे दीजिए प्लीज। मिस्टर भार्गव, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप बाहर क्यों नहीं जा सकते। देखिए जब तक इस केस की तहकीकात पूरी नहीं हो जाती तब तक आप यहां से कहीं भी नहीं जा सकते। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, यहां मेरी जान पर अर्पण पड़ी, अगर कल के दिन मुझे यहां कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आई अंडरस्टैंड मिस्टर भार्गव, मैं समझता हूं लेकिन आई एम सॉरी, मैं मजबूर। लेकिन चलिए, क्योंकि सिर्फ एक ही दिन की बात है तो मैं आपकी सिक्योरिटी का इंतजाम कर देता हूं, मेरे दो कांस्टेबल आपके साथ रहेंगे, ठीक है? आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, जागते रहना रात भर। आप बेफिक्र होकर सो जाइए सर, हम रात भर यहां पहरे पर हैं। ठीक है।
भार्गव, याद कर उस रात को। मैं। सर आप तो पिकनिक जाने वाले थे ना? हाँ, लेकिन मुझे लगा तुम्हारी प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है, और वैसे भी तुम्हारी जैसी अच्छी और डेडिकेटेड प्लेयर को छोड़ के जाना मुश्किल है। मैंने सोचा मैं तुम्हें खुद ही प्रैक्टिस करा दूं। ओके सर, आओ प्रैक्टिस करते हैं। देखो आस्था, तुम एक बहुत अच्छी प्लेयर हो, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस और करो तो बहुत अच्छे लेवल पे खेल सकती हो। हाँ सर, मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ कि। देखो आस्था, तुम्हारा बॉडी का और रिस्ट का बैलेंस थोड़ा खराब है। मैं तुम्हें रिस्ट बैलेंस के बारे में थोड़ा बता दूं। जरा इधर आओ, ये हाथ को जरा ऊपर करो। हाँ, और उस पर काम करोगी तो 100% बास्केट होगी। ये ऐसे रिस्ट को बैलेंस करो। अरे क्या हुआ आस्था? सर मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ। अरे बात तो सुनो आस्था। नहीं सर। वाह बंसल साहब वाह, भाई हम मान गए बंधु आपको। आपने सही कहा था कि ये पागल लड़की कहीं घूमने नहीं जाएगी, यही प्रैक्टिस करेगी, यही। भाई वाह, मान गए आपको। ये प्लान मैंने नहीं, हम तीनों ने बनाया था। हम तीनों यही हैं और किसी को इस बात का पता भी नहीं। सब यही समझ रहे हैं कि हम तीनों भी बाहर घूमने गए हैं। भार्गव साहब, आस्था हमारे एहसानों के तले अब कुछ इस तरह दब गई है, किसी भी बात को मना नहीं कर पाएगी। अरे मना कैसे करेगी, और अगर मना करेगी तो उसे स्पोर्ट्स की दुनिया को ही गुड बाय कहना पड़ेगा, क्योंकि ये तो वो भी अच्छी तरह से मानती है कि अगर मैं चाहूं तो उसे किसी भी ऊंचाई तक पहुंचा सकता हूं, किसी भी। आस्था, आप लोग यहाँ पर? याद है आस्था, तुमने मुझसे उस दिन एक वादा किया था। वादा? हाँ वादा, दावत देने का वादा। दावत? पर यहाँ तो कोई दावत नहीं है सर। अरे तुम ही तो हो हमारी दावत। क्या बकवास कर रहे हैं आप? देखो आस्था, तुम हमें खुश कर दो और हम तुम्हें स्पोर्ट्स की दुनिया की बुलंदियों पे पहुंचा देंगे। समझी तुम्हारी असलियत, चले जाओ यहाँ से, वरना मैं शोर मचा दूंगी। मचाओ? आज तुम्हारी आवाज सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। हमारे प्लान के मुताबिक सब लोग पिकनिक मनाने गए हैं। और अब हम लोग भी पिकनिक मनाएंगे। कोई हेल्प, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प। Please help me!
पागल मत बनो आस्था, तुम्हारे पीछे मौत है और सामने जिंदगी। जिंदगी को गले लगा लो। मैं थूकती हूँ ऐसी जिंदगी पर जो मौत से भी बदतर हो। मैं जानती हूँ मैं तुम तीनों वैश्य दरिंदों के आगे जीत नहीं पाऊंगी। सामने जिंदगी का हर रास्ता मेरे लिए बंद हो गया है। अब एक रास्ता है, मौत का रास्ता। और बेइज्जत की जिंदगी से इज्जत की मौत अच्छी। नहीं, आस्था, नहीं, 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 नहीं